22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन और कार्यक्रम देखा जाएगा। इससे पहले ही अयोध्या के आसपास के तमाम जनपदों में दीपावली जैसा खुशनुमा महोत्सव की तैयारी की जा रही है। हम इस वक्त लखनऊ के समतामूलक चौराहे पर हैं, आप देख सकते हैं, और इसी रोड से होते हुए ये अयोध्या को रोड गया है। सामने आप देख सक रहे होंगे लिखा हुआ है बाराबंकी 25 किलोमीटर और अयोध्या 125 किलोमीटर। अब इस रोड की हम बात कर लें कि किसकी तैयारियों को लेकर किस तरीके के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जो लोग आएंगे वो सब अयोध्या रोड से होते हुए इसी लखनऊ के इस अयोध्या रोड से निकलेंगे और यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने जहाँ साफ सफाई जैसे तमाम व्यवस्था की है वैसे ही यहाँ पर रंगाई पुताई और उसको भव्य सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस रोड पर आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे किस तरीके का आयोजन हो रहा है, किस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, किस तरीके की तैयारियाँ हो रही हैं, किस तरीके की साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है। हम अयोध्या रोड पर आगे चलेंगे और आपको पूरा दिखाएंगे। ऐसे चलते हुए आए थे, ये आपका अयोध्या रोड है। इस रोड से निकलते लोग जा रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तमाम लोग अयोध्या भगवान राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं क्योंकि 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आप देख रहे होंगे ये अयोध्या रोड चल रहा है, लगातार लोग आ जा रहे हैं। देखिए एक शोभा यात्रा भी आप देख रहे होंगे तो सामने आ रही होगी, इस पर भगवान श्री राम का बना हुआ है होर्डिंग और तमाम मालाएँ भी पड़ी हुई हैं। यहाँ कुछ राम भक्त हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो पैदल चलकर आ रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए तीर्थ धाम प्रेरणा पीठ के द्वारा ये जा रहा है और यहाँ कुछ लोग हैं यहाँ जो आए हुए। क्या नाम है भाई आपका? नरेंद्र कुमार लांबा। कहाँ से आए हैं? रिंगस खाटू श्याम जी से। खाटू श्याम से कितना किलोमीटर की यात्रा? अभी तक 600 चल चुके हैं। अच्छा 600 चल चुके हैं, कितना किलोमीटर यात्रा है आप लोग की? 725 प्लस है। 725 प्लस। रास्ते में कोई कठिनाई कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? शरीर की परेशानी हुई है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। राम के काज में निकले हैं तो दिक्कत कैसी बात है। अच्छा शारीरिक तो थकान होगी, खैर पैदल थकान होती रहती है, चलते हैं तो अपन पैर में कंकड़ वगैरह चुभते रहते हैं, घुटनों में दर्द होता रहता है। अच्छा आप भी वहीं से आए हैं क्या? नहीं मैं मुरैना जिले से आया हूँ। मुरैना मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश कितने किलोमीटर है वहाँ से? यहाँ से होगा समथिंग 550 के समथिंग। 550। और अयोध्या धाम कितना किलोमीटर है? अयोध्या धाम ही अब मेरे यहाँ से 550 की यात्रा आपकी है। हाँ। देखें कितना किलोमीटर की यात्रा लिखी है, कुछ लिखा है? यात्रा वगैरह कुछ नहीं लिखी है। इतने खुश हैं अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है? बस भगवान की इच्छा है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। हम ऐसे ही आगे लोगों से बातचीत भी करते रहेंगे और अयोध्या रोड किस तरीके से लखनऊ के जिला प्रशासन के द्वारा सजाया गया है, संवारा गया है, क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं उसके बारे में भी जानकारी देते रहेंगे। इस वक्त अयोध्या रोड से ही गुजर रहे हैं और ये सामने देखेंगे ये शहीद पथ है। यहाँ से तमाम समझिए के इसी रूट पर ज़्यादा व्यस्तता रहेगी। किस तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है, बढ़िया गेट लगाए हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे तो चप्पे चप्पे पर लखनऊ पुलिस फोर्स तैनात है। सामने जीप खड़ी हुई है और बराबर में आप देख रहे होंगे ट्रैफिक के तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं और बैरिकेडिंग लगाई गई है। पूरा विधिवत तरीके से ये अयोध्या रोड जो है, अयोध्या मार्ग है, सजाने संवारने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा गया है। आप अब यहाँ देखेंगे विकास कार्यों की गति कितनी तेज हो रही है। ये सब तब हो रहा है जब अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इससे पहले तमाम आला अधिकारियों ने आदेश दिए थे कि अयोध्या धाम जाने वाला ये मार्ग एकदम अच्छा हो। इससे पहले ही ये विकास कार्य आप देख रहे हैं, ये सामने इसको पूरा सजाया संवारा जा रहा है, पूरा बढ़िया से इसको इसका कायाकल्प किया जा रहा है। साथ ही साथ आगे भी हम आपको दिखाएंगे ये पूरा जो अयोध्या मार्ग है आगे भी इसी तरीके से तमाम कार्य चल रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, तमाम मशीनें खड़ी हुई हैं। आगे आपको दिखाएंगे वो पेंटिंग हो रही है और उसके सामने कितनी बढ़िया वृक्ष बनाया जा रहा है। ऐसा ये एक जगह नहीं तमाम जगह हो रहा है। हम और आगे चलते हैं और अयोध्या धाम जाने वाले उस मार्ग का आपको पूरा दिखाते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। ये अयोध्या मार्ग पर ही हम चल रहे हैं और यहाँ से ज़्यादा दूर अयोध्या नहीं है, लखनऊ के बॉर्डर के पास में ही है। तमाम देखेंगे तो आप स्ट्रीट लाइट के साथ साथ में तमाम तरह तरीके की लाइटें लग रही हैं। ये देखेंगे गाड़ी में किस तरीके की लगी हैं, तमाम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। भैया आपसे कुछ पूछ सकते हैं, ज़रा थोड़ा सा आइए।
किस तरीके की लाइटें लखनऊ में लगाई जा रही हैं बहुत और अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है? ये वेलकम लाइट है, बटरफ्लाई है, कलश है, दिया है और वो अरे दीपक वाला लाइट, हाँ। यही चार पांच प्रकार की लाइटें लग रही हैं। अच्छा, तो अयोध्या मार्ग में पूरे में लगा रहे हैं? हाँ, पूरा वहाँ एयरपोर्ट से लगा के अयोध्या मार्ग पूरा, लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर के और अयोध्या मार्ग पूरा आप जो है सजा रहे हैं। किस तरीके का जो है दिखेगा रात में जब लाइट जलेगा? रात में जलेगी तो पूरा झक्कास लगेगा, बढ़िया लगेगा। हाँ हाँ, भगवान पूरा शहर जगमगा उठेगा। अच्छा, हाँ। क्या नाम है भाई आपका? दिनेश। आप भी लाइटें लगा रहे हैं क्या? जी। लाइटें जलेंगी तो किस तरीके का लखनऊ दिखेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि लखनऊ को अयोध्या मार्ग कितना अच्छा बेहतर सजाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम तरीके की लाइटें भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले लगाई जा रही हैं और ये लखनऊ में एयरपोर्ट से लेकर के और अयोध्या मार्ग होते हुए पूरा ये जो रोड दिख रहा है, इस रोड से होते हुए साफ सफाई, चौड़ीकरण रोड का और तमाम उस तरीके का पेंटिंग की जा रही है। ऐसे तमाम कार्य किए जा रहे हैं जिससे अयोध्या जाने वाले लोगों को इस रास्ते से गुजरते समय कुछ अलग ही महसूस हो और अच्छा लगे। कैमरामैन लकी सिंह के साथ सत्येंद्र शर्मा, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।